हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हमने बनाई है सावा के चावल की खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बाउल, और उसके साथ ही मैं एक ले रही हूँ छोटा सा बाउल जिससे हम चावल को नापेंगे। तो ये है मेरे पास सावा के चावल। आज हम इसकी खीर बनाएंगे और इसको मैं डाल रही हूँ एक छोटे से बाउल में। तो ये क्वांटिटी मैंने सेट कर ली। आप भी कोई इस तरह से बर्तन, कटोरी या कुछ भी सेट कीजिए, उसी से हम आगे शुगर ऐड करेंगे। इसलिए मैंने एक बर्तन सेट कर लिया। तो हमने ये चावल डाल लिए जितनी मेरे को क्वांटिटी चाहिए थी। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से 4-5 पानी से वॉश कर लिया। पानी बिल्कुल देखिए ऊपर क्लीन है और ये चावल अच्छे से साफ हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह ढककर रख देंगे साइड। तब तक दूसरे प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है। पैन कभी भी भारी तले का लें या कोई कढ़ाई लें आप, तो भारी तले की लें ताकि दूध जले नहीं। इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। जैसी घी मेल्ट होता है मैं इसमें डाल रही हूँ 2 हरी इलायची। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। 7-8 गिरी बादाम की, और इसी तरह 7-8 गिरी ले रहे हैं हम काजू। इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा ही शैलो फ्राई करना है हमने इसको। तो लीजिए यहाँ पे शैलो फ्राई हो गए। मैंने दोनों इलायची जो है निकाल ली है। अब साथ ही हम निकाल लेंगे ये काजू और बादाम। तो इनको अभी हम साइड रख देंगे। ये लीजिए अब हम इसमें डालेंगे सावा के चावल। तो पानी मैंने बिल्कुल निकाल दिया है। थोड़ा सा पानी जो चावल में है वही है। तो पानी आप निकाल दें और इस तरह से चावल जो है पैन में डाल लें। तो अच्छे से इसको एक बार हम भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है ताकि कलर चेंज ना हो। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 लीटर दूध। मैं डायरेक्ट ही पैकेट कट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो बॉयल्ड दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो बीच में आप चलाते रहें, दूध बाहर ना आए। तो गैस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट करते हुए आप इसको बना लीजिए। तो ये जो 2 इलायची हमने पहले निकाल ली थी इसको हम क्रश कर लेंगे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि पिज्जे पर पिसी नहीं है। ये देखिए थोड़ी दरदरी है। तो आपके पास अगर इलायची पाउडर वो डाल लीजिए तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो लीजिए 5 मिनट हो गए हैं और ये खीर हमारी बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब देख सकते हैं आप, अब समय है इसको मीठा करने का और खुशबूदार बनाने का। तो चलिए जिस नाप से हमने चावल लिए थे उसी नाप से हमने चीनी ली है। तो 1 कटोरी मैंने चावल लिए थे, 1 कटोरी मैंने चीनी डाल दी। और खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए हमने इसमें डाल दी हरी इलायची। तो लीजिए अब मीठी भी हो गई और खुशबूदार भी हो गई। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे ताकि चीनी जो है जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हमने इसमें वो जो ड्राई फ्रूट्स शैलो फ्राई किया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने बचा लिया। जिस वक्त हम सर्व करेंगे उस वक्त हम ड्राई फ्रूट का यूज़ कर लेंगे। तो लीजिए खीर तो हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी की एक हांडी ली है। आप चाहें तो किसी भी बर्तन में सर्व कर सकते हैं इसको। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें सर्व करते हुए, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर ये खीर हमारे पास आ चुकी है और ये जो ड्राई फ्रूट हमने थोड़ा सा बचा लिया था बस उसी से हम इसको गार्निश करेंगे। तो बहुत ही आसान है बनाना, बहुत जल्दी से ये खीर बन जाती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।